ये संघर्ष नहीं चाहिए। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबसे बड़ा संघर्ष होता है वोट की पावर। लोकतंत्र में सबसे बड़ा ताकत होती है संगठित होकर आवाज। आपको पता है संसद में भी सदन में भी जब ध्वनि मत होता है, ध्वनि मत क्या होता है, ध्वनि मत का मतलब होता है कि ये प्रस्ताव पारित कर दो, जब वो पूरे हो जाएंगे, नहीं जब वो चयन पे लेट जाएंगे तब। रजिस्टर्ड डाक जा रही है, रजिस्टर्ड डाक एडी कर रहे हैं लोग, ठीक है। उसमें क्या है, जब भी कोई पत्र जाता है, एक ये देखिए कहीं सिस्टम होना हो पीएमओ में है, काम होगा नहीं होगा इसकी बात नहीं है, लेकिन जवाबदार कोशिशें की जा रही थी कई वर्षों से कि बुजुर्गों का जो सम्मान है वो उन्हें मिले, ईपीएफओ ईपीएस 95 की पेंशन बढ़ाई जाए, जो उनका मानदेय है उसको बढ़ाया जाए। इस महीने एक अपडेट निकली है, तमाम रिलीज किए जाएंगे, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज फिर एक साथ मौजूद है मनोज स्वराजी। मनोज साहब, अपडेट आपने भी सुन लिया होगा, जिस तरह से बड़े बड़े जो अखबार हैं उनमें भी छपा हुआ है कि ईपीएफओ जो है वो फंड रिलीज करने वाला है ईपीएस 95। देखिए पत्रकार महोदय, जानकारी आपने ही मुझे दी है, क्योंकि इस समय तो मैं पूरी तरीके से इस बात पे अडिग हूँ कि किस तरीके से बुजुर्गों की बात की जाए। जब से 11 लाख की चेतावनी हम लोगों ने दी है और लगातार तब से ये खबरें आ रही हैं, अपुष्ट खबरें हैं, मैं इनको नहीं मानता। जब तक कि हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, जब तक कि ये सामने ना दिखे, सामने पता ना चले, तब तक मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं कहता हूँ अब हम किसी वादे पे, किसी चीज़ पे, किसी, क्योंकि ये आंदोलन बढ़ रहा है। जब आंदोलन बढ़ रहा है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ज़्यादा से लोग जुड़ रहे हैं और ज़्यादा लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आपको पता है लाखों लोग पीएमओ को लेटर लिख रहे हैं, लाखों लोग, और बुजुर्ग जिनके पास फोन नहीं है वो भी चिट्ठी लिख रहे हैं, वो पूछ रहे हैं पीएमओ से। अब एक बुजुर्ग आदमी को आपने खड़ा कर दिया पूछने के लिए, वो पीएम से पूछ रहा है मेरे सवाल का जवाब दो। कुछ लोग डरे हुए हैं, लेकिन अब लोगों का डर निकल रहा है, उन्हें डर नहीं है, क्या कर लोगे। जवाब मिल रहा है, जवाब मिलेगा, कैमरे में बताइए ना, जवाब मिल रहा है। आप बताओ, आज सुबह पीएमओ की एक कोई डिपार्टमेंट है, वहां से मेरे पास फोन आया, कह रहे हैं आपको क्या परेशानी है, आपकी एक ग्रीवियंस है। ग्रीवियंस क्या थी अरुण जी, ग्रीवियंस ये थी कि हमने एक धरना लगाया 30 जून को। 30 जून को धरना लगाने के बाद हमने एक ज्ञापन दिया, ज्ञापन में प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब आया, पीएमओ की तरफ से जवाब आया, लेकिन उस ज्ञापन में बहुत सारे पन्ने लगे हुए थे, लोगों के सिग्नेचर किए हुए पन्ने लगे हुए थे। वो पन्ने करीब 50 के करीब पन्ने थे, जो पीछे फॉर्म थे उसमें से 8 फॉर्म को उस डिपार्टमेंट ने स्कैन किया और बाकी को स्कैन नहीं किया। क्या स्कैनिंग प्रॉब्लम, कोई उनका पीएमओ का स्कैनर खराब हो गया होगा क्या पता, या उनकी मशीन खराब हो गई होगी, तो उन्होंने कहा। तो एक डिपार्टमेंट जो स्कैन करता है उसके खिलाफ दूसरे डिपार्टमेंट ने शिकायत कर दी कि भाई तुम हमें ये कागज क्यों भेज रहे हो, स्कैन करके ऑनलाइन भेजो, क्योंकि हम तो ऑनलाइन काम करेंगे। तो पीएमओ से फोन आता है कि आपने शिकायत करी है। भैया मैंने शिकायत नहीं की, पीएमओ में 2 डिपार्टमेंट है, एक स्कैनिंग करता है डॉक्यूमेंट की, उन्होंने स्कैनिंग नहीं किया, दूसरे डिपार्टमेंट ने शिकायत लगा दी। तो पीएमओ खुद पीएम के पास अपनी शिकायत कर रहा है, ये हाल हो चुका है डिपार्टमेंट का। और पीएमओ को अब क्या करोगे आप, अब तो 1 लाख स्कैन करने पड़ेंगे आपको, अभी तक तो 50 के करीब लोगों ने फॉर्म दिया था, 11 लाख की चेतावनी है, सारी मशीनें फेल हो जाएंगी, अमेरिका, रूस, जापान, चाइना, इंडोनेशिया और फिलीपींस, यहाँ से मशीनें बुलानी पड़ेंगी स्कैन करने के लिए, क्योंकि ये जनता खड़ी हो गई है। इनका मैं यही तो दिखाना चाह रहा था कि तुम्हारा सिस्टम ओवरलोडेड हो जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई रिप्लाई दिया जा रहा है बुजुर्गों को, कोई जवाब? अरे देना देना पड़ेगा, आखिर कब? रजिस्टर्ड जब वो पूरे हो जाएंगे, नहीं जब वो चयन पे लेट जाएंगे तब। रजिस्टर्ड डाक जा रही है, रजिस्टर्ड डाक एडी कर रहे हैं लोग, ठीक है। उसमें क्या है, जब भी कोई पत्र जाता है, एक ये देखिए कहीं सिस्टम होना हो पीएमओ में है, काम होगा नहीं होगा इसकी बात नहीं है, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। और जवाब लाखों लोगों का जवाब जब उठ के खड़े होंगे कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, 1000 अगर मिनिमम पेंशन है तो हमारी क्यों नहीं हुई है, अगर हमारी नहीं हुई है तो या तो तुम झूठ बोल रहे हो या हम झूठ बोल रहे हैं या बैंक झूठ बोल रहा है। ये बात तो आप भी जानते होंगे, अशोक राव साहब जो है वो 2 बार प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुके हैं, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया था। तो प्रधानमंत्री साहब कौन से वाले? अशोक राउत, कमांडर अशोक राउत साहब, कमांडर अशोक राउत जो ईपीएस वाले, जी जी बिल्कुल, मैं उनकी, अरे उनकी तो उनके उनके बारे में, नहीं नहीं मैं वो उनका अपना मैं वो बात मान रहा, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, जब वो मोदी साहब से मिले होंगे, मोदी साहब ने उनसे तो कुछ तो कहा होगा? मोदी साहब ने, मैं नहीं कहूंगा मोदी साहब ने क्या कहा, 2 व्यक्तियों के बीच की बात उन्होंने कभी बताई नहीं, हमने कभी सुनी नहीं, उन्होंने जो मंच पे बताया, कान में मोदी साहब ने क्या कहा ये उनकी और उनकी मोदी साहब की बात है, लेकिन मोदी साहब ने जो भी कहा वो कहने में मत जाओ, एक्शन क्या हुआ, एक्शन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। और अब एक्शन इसलिए कुछ नहीं हुआ कि वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तब एक्शन नहीं हुआ जब फेस टू फेस मिल लिए, अभी तो यहाँ एक आदमी मिला, एक आदमी मिला ना, तुम आप समझो लोकतंत्र में सिरों की अहमियत होती है। वो एक आदमी मिला था, मोदी साहब ने कहा था एक आदमी है, चल
कोई बात नहीं, आप सेट हो गया एक आदमी, या नहीं भी सेट हुआ या उसको पुचकार लिया, उसको समझा दिया, एक आदमी को समझा सकते हो, 11 लाख को नहीं समझा सकते। 11 लाख को समझाने के लिए ना 11 लाख आदमी चाहिए, और उनकी समझाओगे क्या? ये समझाओगे जो भूखा है उसको समझाओगे तू शाम को खाना दे दूंगा तो समझ जाएगा, कल खाना दे दूंगा तो समझ जाएगा, परसों खाना दे दूंगा तो समझ जाएगा, लेकिन भूखे पेट वाले को आप समझाओगे कि पेपरों से उसको समझाओगे? राउत साहब तो भूखे नहीं है ना, उनको तो पेंशन आती है 70-80 हजार, भाई सेना से पेंशन है उनको तो 70-80 हजार आती है, जिसको 800 पेंशन आती है उसको कैसे समझाओगे? वो सवाल कर रहा है, राउत साहब सवाल कर रहे थे, माफ करिएगा बार बार उनका नाम ले रहा हूँ मैं आपसे हाथ जोड़ के, पहले तो क्षमा मांगता हूँ क्योंकि मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ जिनका पेट भरा हुआ है ना उनको समझाया जा सकता है, वो समझ जाएंगे, उनका स्टेमिना है, लेकिन जो भूखा है ना वो तो चिल्लाएगा, वो चिल्लाएगा, और वो जब अपने हक के लिए चिल्लाएगा तो हक देना पड़ेगा, हक नहीं दोगे तो तुम हटो, सत्ता खाली करो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, खाली करो सिंहासन। कब तक भैया, कब तक मिलेगा वो तो बताइए, पिछले 10-15 अरे इसी लगे पड़े हैं, इसी 10-15 सालों से इन बुजुर्गों के नुमाइंदे आ चुके कि हम आपको हक दिलाएंगे, छाती ठोक के कह रहे हैं कि हम आपको हक दिलाएंगे, लेकिन कोई नहीं दिला पा रहा, आज आप खड़े हो गए हैं। मैंने कहा नहीं दिलाऊंगा, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं पेंशन नहीं दिलाऊंगा, मैं आपको हक नहीं दिलाऊंगा, मैं आपका मसीहा नहीं हूँ, मैं आपका नेता नहीं हूँ। तो क्यों उन बुजुर्गों को बेवकूफ बना रहे हैं? नहीं बेवकूफ नहीं बना रहा, उनको खड़ा कर रहा हूँ कि अपना लड़ाई खुद लड़ो, कोई दुनिया में किसी को हक नहीं दिला सकता। अरुण जब तक आप खड़े नहीं होते हो, अगर आप खड़े हो जाते हो तो दुनिया में कोई आपका हक छीन भी नहीं सकता, अगर एक आदमी भी लड़ जाएगा ना पूरी ताकत से। मतलब आप उनकी उम्मीद बन रहे हो? अरे मैं नहीं उम्मीद, मैं कह रहा हूँ अपनी उम्मीद खुद बनो, आप समझ नहीं रहे हो, आप एक पत्रकार हो, जब तक मैं संकल्पित नहीं हो जाता हूँ अपनी लड़ाई लड़ने को, मेरी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। देश का जो आदमी कहता है ना कि जैसे चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि जिंदा जिंदा तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे, तो अंग्रेजों के बाप में दम दी थी तो उनको पकड़ पाए। संकल्पित हो जाए हर आदमी देश का, जो अपनी पेंशन के लिए लड़ने के लिए संकल्पित हो जाए, ये मेरी है, डिसेंट्रलाइज हो जाए सारा। मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ, 100% अग्री करता हूँ भाई साहब, जो भी बात कर रहे हैं उससे मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, समानता रखता हूँ, लेकिन सवाल ये उठता है, इन्होंने कहा कि मैं उनको तैयार करूँ, वो तैयार कैसे होंगे? वो बुजुर्ग हैं, वो चल नहीं पा रहा, कोई बीमारी से ग्रस्त है, किसी की जेब में पैसे नहीं है, वो दिल्ली नहीं आ सकता, किसी का मोबाइल नहीं है, कोई ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, हम वीडियो चला रहे हैं, कहीं तक ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है, तो कैसे वो करेंगे संघर्ष, किस तरह से करेंगे? अब बताता हूँ, अब रुपया नहीं होगा, कैसे करेंगे? अब सुनिए ना, सुनिए ना, ये संघर्ष के कई आयाम होते हैं। एक संघर्ष होता है जाके मैं बैरिकेड गिरा दूं, एक संघर्ष होता है जाके मैं रेल तो रोक दूं, एक संघर्ष होता है मैं जाके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दूं, एक संघर्ष होता है जाके प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर दूं। ये संघर्ष नहीं चाहिए, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सबसे बड़ा संघर्ष होता है वोट की पावर। लोकतंत्र में सबसे बड़ा संगठन ताकत होती है संगठित होकर आवाज। आपको पता है संसद में भी सदन में भी जब ध्वनि मत होता है, ध्वनि मत क्या होता है? ध्वनि मत का मतलब होता है कि ये प्रस्ताव पारित कर दो, सिर्फ लोग आवाज ही लगा देंगे ना, अगर 1 करोड़ लोग खल के आवाज लगा दें तो पेशाब निकल जाए तानाशाहों की, तानाशाहों की, 1 करोड़ लोग खड़े होके, बुजुर्ग लोग ही आवाज लगा देंगे ना, 1 करोड़ लोग खड़े होना इस देश के अंदर, यानी 1% आबादी से ज्यादा, 1% आबादी वोटर, 80-90 लाख वोट किया है, 1 करोड़ वोटर, अगर बुजुर्ग तो सारे ही वोटर होंगे, 1 करोड़ वोटर अगर इस खड़ा होकर आवाज भी लगा देगा ना, तो नेताओं की पेंट गीली हो जाएगी। ये अभी देख रहे हो ना ओपीएस एनपीएस की बात कर रहे हो, अभी कितने कितने सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए फटाफट फटाफट पहले से पेट भरा हुआ, और दे दो और दे दो और दे दो, अरे कितना दे दो, जो भूखा मर रहा है 800-700 रुपए उसकी कोई बात नहीं है, जिसका पेट भरा हुआ है, जिसको 20 हजार मिल रहा है उसकी 40 हजार की सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, 20 हजार में हमारा खर्चा नहीं चलता, उसका 800 में कैसे चलता है भाई, उसका 900 में कैसे चलता है भाई? हम तो ये तो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये फेक वीडियो है, फेक वीडियो है, ये बताओ कि हमें पैसा कब मिलेगा, उनके लिए क्या कहेंगे? फेक वीडियो है वो जो कमेंट कर रहा है ना, वो खुद ही फेक है भाई, हम क्यों बताएं पैसा, हम क्यों बताएं पैसा, तुम क्यों नहीं पूछते सरकार से कि हमें पैसा कब मिलेगा, हमसे क्यों पूछते हो? हम तो तुम्हारी आवाज है, तुम जाके नरेंद्र मोदी से पूछो, तुम जाके प्रधानमंत्री से पूछो कि हमारा पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, तुम पूछते ही नहीं। मैंने पूछने के लिए कहा, ये फॉर्म क्या है, ये पूछना है, और पूछना शुरू करो, हमसे पूछो मत, हम तो तुम्हारी वजह से पूछ रहे हैं, और हमारी भी नहीं सुनेंगे, वो सुनेंगे तो सिर्फ देश के वोटर की सुनेंगे, तुम्हारी सुनेंगे, मनोज के वोट की कीमत 1, लेकिन 11 लाख वोट की कीमत जरूर करेंगे। मनोज अगर कहेगा तो मनोज की वोट की कीमत कुछ नहीं है, लेकिन अगर 11 लाख लोग डिसेंट्रलाइज होकर पूछेंगे ना, तो प्रधानमंत्री को पसीना आ जाएगा, पैरों से जमीन खिसक जाएगी, सिंहासन डोलता हुआ दिखेगा, और प्रधानमंत्री तड़प के चिल्ला के मर्जी गैर मर्जी करेगा, क्योंकि करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो बुजुर्ग हैं, उनको तो कम से कम बुजुर्गों की बात सुननी चाहिए, उनको छोड़िए जो अपने आप को युवा नेता कहते हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी एक बार नहीं बुजुर्गों की बात उठाई,
वो भी हर जगह जाते हैं, कभी कूली बन जाते हैं, कभी ट्रेन लोको पायलट बन जाते हैं, तो ये ईपीएस वाले भी बने ना एक बार। ये सब नाटकबाज है, मेरे को शब्द लगा, ये पॉलिटिशियन है ना, ये नाटकबाज है और इनको लगता है कि इनको मुद्दे में दन, इनको लगता है बुजुर्ग क्या ही करेगा, बुजुर्ग घर में पड़ा है इसलिए उसके मुद्दे को उठाओ भी मत तो उससे वोट भी नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये समझते हैं कि बुजुर्ग ऑलरेडी जो बूढ़ा हो चुका है ना, वो उसके दिमाग में पार्टियां घर कर जाती हैं। एक बुजुर्ग आदमी कभी स्विच नहीं करता क्योंकि वो इतना पुराना हो जाता है, जैसे कोई कांग्रेस को वोट दे रहा है तो वो ट्रेडिशनल कांग्रेस का वोटर रहेगा, कोई बीजेपी को दे के आ रहा है तो वो ट्रेडिशनल बीजेपी का वोटर रहेगा, कोई जिस पार्टी को दे रहा है ना वो बुजुर्ग हो गया, पूरी जिंदगी वो वोट देता रहा तो वो उसी को देगा। तो इनके दिमाग में ये है कि बुजुर्गों को तो हटने वाले नहीं है, पार्टी को चाहे इनके साथ कुछ भी कर लो, ये अपना वोट स्विच नहीं करेंगे और जाएंगे भी कहाँ, बीजेपी से जाएंगे तो कांग्रेस में, कांग्रेस से जाएंगे तो बीजेपी में, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए इनकी बात सुनो ही मत। बुजुर्गों के पास भी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है दो ही ऑप्शन है, एक तो जंतर मंतर, एक रामलीला मैदान, वहीं जाके वो इकट्ठे होते हैं, नहीं नहीं जब डंडे भरते हैं तो भाग जाते हैं, तो परमिशन नहीं। कितने बुजुर्ग आते हैं यहाँ पे जंतर मंतर में? 100-150, रामलीला मैदान में 2,000-2,500, उससे क्या तुम जीत जाओगे? लेकिन हाँ, हमने बुलाना नहीं है बुजुर्गों को, हमने कहना है कि तुम अपने पत्र की ताकत दिखाओ, कागज का जवाब कागज से दो, कागज की भाषा को कागज से मारो, वोट की भाषा से मारो, चोट की भाषा से मारो। मारा ना अभी बुजुर्गों ने, लग रहा है इन्होंने, कोई कहता है कि अग्निवीर की वजह से हुआ, कांग्रेस उसको मोदी जी को पसीने छूट रहे हैं ना, अभी 10% रिजर्वेशन कर दिया, इन वजहों से नहीं हारे हैं मोदी जी, इन बुजुर्गों की बद्दुआओं की वजह से हारे हैं, इन बुजुर्गों ने वोट नहीं दिया, ये गए नहीं वोट करने, इस वजह से हारे हैं मोदी जी। लेकिन ये अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा, और इनको समझाने का एक ही तरीका है कि एक अगर पत्र जाता है प्रधानमंत्री कार्यालय पे तो हर पत्र का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि दिया जाता है, प्रोसेस है। तो क्या लगता है आपको कि सरकार को सभी मुद्दे छोड़ के केवल सबसे पहले इसी मुद्दे को चिन्हित करके उठाना चाहिए? बिल्कुल, इस देश में सबसे पहले रोटी आप किसको खिलाते हो? अपने घर में रोटी बनती है, माँ बाप को, बुजुर्गों को, बुजुर्गों को खिलाते हो। इस देश में की कमाई में पहला हक किसका होना चाहिए? बुजुर्गों का है, ना फौजी का होना चाहिए, सुनो मेरी बात, ना सरकारी कर्मचारी का होना चाहिए, ना फौजी का होना चाहिए, ना सरकारी कर्मचारी का होना चाहिए, ना नेता का होना चाहिए, ना अभिनेता का होना चाहिए, ना किसान का होना चाहिए, ना मजदूर का होना चाहिए, क्योंकि इन सब में, इन सब प्रोफेशन से जो निकल के आता है, फौजी, फौजी भी बुजुर्ग होता है, जो प्रोफेशन में है उसका हक बाद में रखो, क्योंकि वो तो कमा रहा है ना कुछ, जो असहाय है, निर्बल है, गांधी जी ने भी क्या, अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति हर समाज से, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे हर समाज से सबसे कमजोर व्यक्ति बुजुर्ग ही होगा, क्योंकि असहाय होगा, उससे क्योंकि छीन रहे हो उसका पैसा। और ये जो लोग हैं ये बुजुर्ग हैं, ये खासकर पर्टिकुलरली ये अलग अलग कंपनियों से आए हैं, अलग अलग कंपनियों से आए और इनसे पैसा लिया है, ये कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, ये तुमसे खैरात नहीं मांग रहे हैं, ये अपना पैसा मांग रहे हैं, और भैया उनका पैसा उनको दो, तुम्हारे तुम क्यों उस पे कुंडली मार के बैठे हुए हो? तुम कह रहे हो कि घाटे में है, जवानों से तुम पैसा काट काट के ले रहे हो, बुजुर्गों को देने को मना कर रहे हो। आज मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति ने पूछा, मनोज भाई मेरी सर्विस को 5 साल बचे हुए हैं, मेरा पैसा कट रहा है ईपीएफ में, आपकी वीडियो सुनी तो मेरे को दिमाग से एकदम अंधेरा आ गया, मुझे ऐसा लगा क्या मैं पीएमओ को लेटर भेज सकता हूं? मैं उनसे कह रहा हूं, आपके लिए भी मैं बताऊंगा, आपको जो 51 लाख का तमाचा होगा ना, उसमें उन लोगों को मैं शामिल करूंगा जो 7-8 करोड़ लोग है ना, 51 लाख का तमाचा भी पड़ेगा, अभी 11 लाख की चेतावनी है ना, अभी 51 लाख का तमाचा, तो उन 7-8 करोड़ लोगों को वो पैसे का हिसाब मांगेंगे कि तुम उन बुजुर्गों को ही पेंशन नहीं दे रहे हो तो हमसे पैसा क्यों ले रहे हो, हमारे पैसे का भी हिसाब दो, हमें भी गारंटी दो, जैसे तुम ओपीएस की गारंटी दे रहे हो ना, वैसे हमें भी गारंटी दो। इसलिए अब 51 लाख का तमाचा तैयार है, हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, और हम बराबर आवाज उठाते रहेंगे। और मैं जो डर रहे हैं, जो फॉर्म नहीं भर रहे हैं, उनसे कहना चाहूंगा, आपकी पेंशन कितनी भी आती हो, 3,000, 2,500, 2,500 मांगो, वो कम है, आपके खर्चे लायक नहीं है, अगर 3,000 भी आ रही है तो उससे आपका खर्चा नहीं चलेगा, आप खड़े हो जाओ, फॉर्म भरो, फॉर्म किसी से ले लो और अपनी लड़ाई लड़ना सीख जाओ, क्योंकि कोई नहीं आएगा, कोई जनरल, कोई कर्नल, कोई हवलदार, कोई पुलिस वाला, कोई नेता आपको बचाने नहीं आएगा, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपने अपनी लड़ाई लड़ ली, एक बार आपने संकल्प करके अपनी लड़ाई लड़ ली, तरीका मैं बता दूंगा लड़ना आपको, अगर आपने लड़ ली तो कोई आपकी पेंशन को रोक भी नहीं सकता, चैलेंज कर रहा हूं। और आपने किसी दूसरे पे भरोसे रहे, मनोज के भरोसे रहे, किसी जनरल कर्नल और उसके भरोसे रहे, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए अपना संबल, अपना सहारा खुद बनो, जैसे परिवार पाला, कंपनी पाली, कंपनी को बचाया, वैसे अपने आप को बचाओ, यही मेरा संदेश है। कुछ बुद्धिजीवियों को क्या कहना चाहोगे? कुछ बुद्धिजीवी हैं जो बहुत भयंकर से कमेंट करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए,
अब शब्द तो वो कहते हैं ना कुकुर, कुकुर शब्द कहूंगा, कुकुर भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है, तो चलते रहो, ये दुनिया है, इसमें तमाम तरह के लोग आते हैं, भौंकते हैं, भौंकने दो, हम उनके पीछे पलट के थोड़ी ना जाएंगे, हम अपना समय वेस्ट क्यों करें। अरे हम पर कमेंट करने से अच्छा खुद कुछ काम कर लो भाई, हम पर कमेंट करके हमारे को तो सुधार नहीं पाओगे, हम तो बिगड़े हुए हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम तो ऐसी ही बात करेंगे। तुमको कुछ करना है तो जाके अपने घर पे कुछ कर लो, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो हमारे पास आके, हमें क्यों देख रहे हो, हमें ऐसे ही छोड़ दो हमारे हाल पे, तुम अपना काम करो यार, उनको मैं ये कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और जिस तरह से मनोज भाई ने कहा कि आपको कोई हक दिलाने नहीं आएगा, कोई आपका रसूखदार नहीं बनेगा जब तक आप खुद नहीं उठेंगे, खुद नहीं चलेंगे, खुद आप प्रधानमंत्री जी से नहीं पूछेंगे कि हमारा हक जो है वो हमें कब मिलेगा। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना मत भूलिएगा, जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए द पब्लिक बॉक्स।